भारत का नया मंत्रिमंडल जो कि आने वाले हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जन शिकायत मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय एवं परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष मंत्रालय संभाला है। यानी परीक्षा में ऐसे पूछ सकते हैं हमारे परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है, तो उसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से आप याद रखना, जन शिकायत मंत्री, परमाणु मंत्री और अंतरिक्ष मंत्रालय के मंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पहले हम 25 कैबिनेट मंत्री देखेंगे, नरेंद्र मोदी समेत 25 कैबिनेट है, ये ध्यान में रखना। और वैसे बिना मोदी समेत 24 कैबिनेट मंत्री भारत में चुने गए हैं इस बार। दूसरे हैं राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री जिन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और अमित शाह है गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह है। और उसके बाद है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, भारत के नए सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। उसके बाद है सदानंद गौड़ा, सदानंद गौड़ा को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय सौंपा गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा। आगे देखते हैं जो एस जयशंकर, उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला, यानी भारत के नए विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये याद रखना, एस जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री है। उसके बाद है रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंपा गया है। रमेश पोखरियाल को मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। उसके बाद है थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय सौंपा गया है, थावरचंद गहलोत को। आगे है अर्जुन मुंडा, जो कि आदिवासी मंत्री है, भारत के आदिवासी मंत्री है अर्जुन मुंडा। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास और कपड़ा जो मंत्रालय है वो स्मृति ईरानी जी को सौंपा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। पीछे ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन थी। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी सौंपा गया है और भू विज्ञान मंत्रालय भी सौंपा गया है। यहाँ पर आगे देखते हैं लिस्ट में नाम है प्रकाश जावड़ेकर का, जिन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। और पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन और सूचना प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है प्रकाश जावड़ेकर को। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। पीयूष गोयल जी, जो पहले ही रेलवे मंत्री थे और अब की बार भी रेलवे मंत्री बनाया गया है पीयूष गोयल को। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय है वो धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है। उसके अलावा जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। और उसके अलावा कुछ मंत्री पहले रह गए थे, देख लीजिए। सदानंद गौड़ा कैबिनेट रसायन मंत्री है हमारे भारत के, सदानंद गौड़ा। और जो वित्त मंत्री है अब की बार वो है निर्मला सीतारमण, कैबिनेट मंत्री है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और रामविलास पासवान है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और साथ में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। आगे देखते हैं रविशंकर प्रसाद, जो पहले ही कानून मंत्री थे और अब की बार भी कानून मंत्री बनाया गया है, कानून एवं न्याय। उसके अलावा इन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय है वो भी दिया गया है रविशंकर प्रसाद जी को। और हरसिमरत कौर बादल नया चेहरा है अब की बार, उन्हें खाद्य प्रसारण एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है, हरसिमरत बादल कौर। लिस्ट में आगे नाम है प्रहलाद जोशी का, जिन्हें संसदीय मामले कोयला एवं खान मंत्रालय दिया गया है, प्रहलाद जोशी। और संसदीय मामले में राज्य मंत्री बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल को। महेंद्रनाथ पांडे को दिया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
अरविंद सावंत को बनाया गया है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, और गिरिराज सिंह बने हैं पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय, और गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। ये है हमारे भारत के नए 24 मंत्री और एक प्रधानमंत्री, यानी 25 टोटल कैबिनेट मंत्री है। और दोस्तों अगले वीडियो में जो राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री है उनके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर अपडेट के साथ राजस्थान जीके और इंडिया जीके मिलता रहे। धन्यवाद।